आज देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार को कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। मुस्लिम समुदाय ने आज सोमवार को मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी और उसके बाद सबको मुबारकबाद दी। इस त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ईद उल अजहा के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि ये हमारे समाज में शांति और खुशी की भावना को पंख देता है। ईद मुबारक। ईद उल अजहा के इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सब देशवासियों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी रामपुर की ईदगाह में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने सबको ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ पिछले एक महीने में रामपुर में अपने विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनें हड़प लेने के आरोप में 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी कुछ दिनों पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान अपने पिता के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली पुलिस रेड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी उस समय जब वहां धारा 144 लागू थी और इस वजह से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।